हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो आपका चैप्टर नंबर टू है ना, पॉलिनोमियल्स, इसको जो आपकी डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे कराऊंगी। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेज हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, और जो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक आपको सबकी लिंक प्लेलिस्ट में मिलेगी, प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ से पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने कम्प्लीट कर लिए थे, चलिए आज क्वेश्चन 38 से देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इफ एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू दिस। देखो आपको बताइए, आपकी एक आइडेंटिटी होती है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद है इस चैप्टर की तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आपकी एक आइडेंटिटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए की वैल्यू मेरे पास टू है और बी की वैल्यू मेरे पास माइनस फाइव है, और मुझे फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी मुझे यहाँ फाइंड करना है। तो ए की जगह टू लिख दिया, बी की जगह माइनस फाइव, इट मीन्स 38 का आंसर आ जाएगा माइनस थ्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द फैक्टर्स ऑफ, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसके फैक्टर्स दे रखे हैं, ये दो फैक्टर्स हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स ये इसके फैक्टर्स हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले इसके फैक्टर्स को एक बार खुद से निकाल लेती हूँ कि क्या आएंगे, और फिर जो फैक्टर्स मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं ना उससे मैं उनको कंपेयर कर लूँगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें मिडल टर्म स्प्लिट लगाऊँ तो मेरे को पता है कि प्लस माइनस करने के बाद तो माइनस 18 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 59 या 45 है, तो 45x स्क्वायर आना चाहिए। तो 45 के फैक्टर्स होते हैं 5 और 9, 59 जा, और अगर मैं देखूँ इसके फैक्टर्स तो ये 3 की टेबल में 15 पे आता है, देन ये 3 की टेबल में 5 पे आता है, देन 51 जा 5, ठीक है। 15 और 3 मैं ले सकती हूँ क्योंकि 15 में 3 प्लस करूँगी तो 18 भी आ जाएगा और 45 भी बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो 5x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 3x और प्लस का 9। अब इनकी एक पेयरिंग, इनकी एक पेयरिंग, यहाँ से 5x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस का 3 बचा, यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो यहाँ भी x माइनस 3 बचा। इट मीन्स यहाँ पर 5x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मेरे दो वो फैक्टर्स निकल के आ गए। अब इनको अगर मैं इनके साथ कंपेयर करूँ तो ध्यान से अगर आप देखो तो आपको a की वैल्यू जो है वो कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है, मिल रही है, और b की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस 3 मिल रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, ठीक है। तो आप नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग, और उसके बाद लिख देना ऑन कंपेयरिंग के बाद ए की वैल्यू आपके पास 5 है और बी की वैल्यू आपके पास माइनस 3 है। क्लियर है क्वेश्चन 39। चलिए क्वेश्चन 40 पे आते हैं। कह रहा है फाइंड पी वन प्लस पी माइनस वन प्लस पी टेन इफ पी एक्स इज, आपको पी एक्स दे रखा है और इन तीनों का सम निकालना है। पहले तीनों को अलग अलग निकाल लेते हैं और उसके बाद सम निकाल लेंगे, है ना। तो इसको कहीं पर लिख लेते हैं, तो इधर लिख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारे पास 40 है जिसमें मुझे पी एक्स कितना दे रखा है, वो मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दे रखा है, ठीक है। क्या क्या निकालना है, पी वन, पी माइनस वन और पी टेन निकालना है। तो पहले पी वन निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 को पुट किया है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0 आ गया, ठीक है। पी माइनस 1 अगर मैं यहाँ देखूँ तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ आ जाएगा माइनस 1 प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस यहाँ 3 और ये प्लस का 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पी 10 अगर हम यहाँ देखें तो 10 पुट करते हैं, तो 10 का स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस का यहाँ आ जाएगा 2, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपके पास 30, यहाँ हो जाएगा 2। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ 100 माइनस का 28, तो माइनस कर दो यहाँ 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, यहाँ 72 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो इन सब का क्या करना है, सम को फाइंड करना है ना। तो अभी इन सबको पहले यहाँ लिख लेती हूँ, पी वन प्लस पी माइनस वन और प्लस का था पी टेन था ना आपके पास, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रख दो, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 72 आ जाएगा, आंसर आपके पास 78 आ जाएगा। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन था, 40 कम्प्लीट। क्वेश्चन 41 में क्या कह रहे हैं, फाइंड क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। अगर मुझे x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, अगेन इस क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको फाइंड जो करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर दे क्या रखा है, x अपॉन में y प्लस में y अपॉन में x दे रखा है और इज इक्वल्स टू में आपको 2 दे रखा है। बेस सेम करूँ तो मैं यहाँ एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 एक्स वाई। ये मैंने सिर्फ वैल्यू को फाइंड कर लिया,
ठीक है, मुझे क्या करना था यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है ना, देखो तो ये होती है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, तो इसकी जगह पर मैंने यहाँ लिख दिया टू एक्स वाई, ठीक है ना, और यहाँ माइनस का टू एक्स वाई है, तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास जीरो। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 41। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, ये अगर हम देखें अपना 42, इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन माइनस एक्स इंटू में इसकी पार है 140 माइनस टू एक्स, एक्स की पार है 151 प्लस के इज है यहाँ पर इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, तो अगर आप इसको वन एक्स प्लस वन से डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आएगी के की, वो आपको फाइंड करनी है। देखो पहले यहाँ लिखते हैं इस क्वेश्चन को 42 को, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर एक्स प्लस वन दे रखा है, इससे मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, वो आ जाएगी मेरी माइनस वन। अब जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है ना उसको मैंने पी एक्स मान लिया, क्या दे रखा है पॉलिनोमियल मुझे माइनस एक्स की पार जो है वो है 140 प्लस माइनस है टू एक्स और इसकी पार है मेरे पास 151, ठीक है, उसके बाद देखें तो हमारे पास है प्लस का के। अब जब ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ पी एक्स की जगह माइनस वन रख सकती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन, इसकी पार आ जाएगा 140 और ये वाला माइनस अलग से है जो क्वेश्चन में था, माइनस टू एक्स की एक्स आ जाएगा माइनस वन, यहाँ आ जाएगा 151 प्लस का के, तो जीरो इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस ऐसी रहने दो, अब यहाँ पार इवन है तो सारे माइनस आपस में कट हो जाएंगे तो वन ही बचेगा, ठीक है, अब माइनस यहाँ पार ऑड है 151 तो एक माइनस बच जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू वन जो टू हो जाएगा प्लस का के हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू वन प्लस का के आ जाएगा, यहाँ से के की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस वन। सिर्फ ये ध्यान रखना है जब वन पे जो पार ऑड होती है तो वो एक माइनस बचता है और अगर इवन होती है तो नहीं बचता, सारे माइनस आपस में कट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 43 में क्या कह रहा है, शो दैट माइनस वन इज़ द जीरो ऑफ दिस, आपको शो करना है माइनस वन इसका जीरो है, तो क्या करो आप इसमें ना रख के देख लो माइनस वन, अगर जीरो आ रहा है पूरा सॉल्व करके तो है, नहीं तो नहीं है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 3x की पार 4 है आपके पास, 3x की पार 4 है आपके पास यहाँ पर, माइनस एक्स क्यूब है प्लस का आपके पास यहाँ पर 3x है और माइनस का 1 है, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर माइनस 1 रखना है, तो चलो माइनस वन रख के देख लो, अगर ज़ीरो आ रहा है तो है, नहीं तो इसका ज़ीरो नहीं है ये, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पार इवन है तो सारे माइनस कट जाएंगे तो थ्री इंटू वन बचेगा, यहाँ पार ऑड है तो एक माइनस वन बचेगा, बाहर भी माइनस है तो प्लस का वन हो गया, थ्री वन जै थ्री पर माइनस का आएगा माइनस का वन, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन, सब आपस में कट गए ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है माइनस वन इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस माइनस वन इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये भी लिख सकते हैं हम। क्लियर है 43। चलिए 44 पे आते हैं, कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना है हमको एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वाई को, आसान है ये तो बहुत, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वाई को करना है, तो फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट लिख लो यहाँ पर, सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट लिख लो, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस का वाई, ठीक है, बाहर माइनस था अंदर का साइन चेंज कर दिया है मैंने, अगर कोई किसी से कट हो रहा है कट कर दो, कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, तो देखो मुझे दिख रहा है इसमें से मैं वाई को एक्स वाई को कॉमन ले सकती हूँ, ले सकते हैं ना वाई को कॉमन, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने इसको इंटू किया था तो ये सॉल्व करके इस वाले ब्रैकेट से ये आया था और इस वाले पूरे ब्रैकेट से सॉल्व करके मेरे पास ये आया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस का मैंने यहाँ वाई ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस का वन आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए मैंने वो अंदर वाले ब्रैकेट का साइन क्या किया चेंज कर दिया, माइनस का एक्स रह दिया। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर। चलिए 45 करते हैं, कह रहे राइट द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स एंड डिग्री, टर्म के बेसिस पे देखूँ तो इसमें तीन टर्म्स हैं, तो टर्म के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा होगा ट्रीनोमियल, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं, और अगर डिग्री के बेसिस पे देखूँ हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्लियर। तो 45 तक कंप्लीट। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 38 से लेके 45 तक के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इन क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। ऊपर के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई आप चैनल से देख सकते हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।